अगर आप लोग तो सर नेटफ्लिक्स पे अपना अकाउंट बना रहे हो दोस्तों वहाँ पर, लेकिन आपका अकाउंट जो नहीं बन पर आपसे कुछ टेक्निकल एरर वगैरह आ रहा है, फिर आप जो है कुछ गलती वगैरह कर देते हो दोस्तों, यहाँ पर आपका अकाउंट जो नहीं बन पाता। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि आप अपना नेटफ्लिक्स के ऊपर अकाउंट कैसे बना सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मतलब एक या दो क्लिक में आप अपना नेटफ्लिक्स का अकाउंट जो है बना सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आज के वीडियो में, मेरा नाम ऋषि और आप देख रहे क्रिएटर ऋषि। तो दोस्तों देखिए एक बात मैं पहले बताऊं कि दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि नेटफ्लिक्स ऐप को डाउनलोड करके उसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने का दोस्तों यहाँ पर वो अपना अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब यहाँ पर वो बनाने का ट्राई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका अकाउंट जो है नहीं बन सकता क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर एरर वगैरह आता है। देखिए मेरा अकाउंट ऑटो फैच कर रहा है, देखिए ऑटो फैच मेरा इसने गूगल ने अकाउंट कर लिया नेटफ्लिक्स ने, और गूगल ने देखिए यहाँ पर आप जैसे दोस्तों यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा है और एक आपको दिख रहा है गेट स्टार्ट, आप जैसे गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपसे ये आपका जो है मेल आईडी वगैरह पूछेगा। तो यहाँ पर आप डालोगे तो वापस लॉगिन वगैरह का दिक्कत वगैरह होगा, तो यहाँ पर आपका अकाउंट नहीं बनेगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपना जो है गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, फिर कोई सा दूसरा ब्राउज़र आपको ओपन करना जो आप यूज़ वगैरह करते हो, और दोस्तों यहाँ पर वो सर्च कर लेना है आपको netflix.com यहाँ पर आपको डाल देना है। आप जो दोस्तों यहाँ पर सर्च वगैरह करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, एक आएगा साइन इन और एक आएगा गेट स्टार्ट करके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वो प्रोसेस सेम है यहाँ पर, लेकिन दोस्तों अपन जो है गूगल क्रोम से बनाएंगे वहाँ पर ऐप के थ्रू से ज़्यादा अच्छा गूगल क्रोम। तो दोस्तों यहाँ पर अपन से अपना मेल आई डी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना मेल आई डी डाल देना है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने मेरा मेल आई डी डाल दिया, यहाँ पर आपको सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। जैसे दस्तों मैं इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस वगैरह आता है। फिनिश सेटिंग अप योर अकाउंट, यहाँ पर कुछ सेटिंग वगैरह हमें फिनिश वगैरह करनी पड़ेगी अपना अकाउंट बनाने के लिए। तो दोस्तों उसके लिए आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो पासवर्ड वगैरह पूछा जा रहा है, तो भाई आप लोग पासवर्ड वगैरह बहुत ध्यान से डालना क्योंकि कई लोग क्या बाद में गलती वगैरह कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिक्योर पासवर्ड आपको डाल देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर मेरा जो उसका पासवर्ड वगैरह डाल दिया, थोड़ा ब्लर वगैरह करके रखा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। दूसरा हम आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड स्टेप था वो हो चुका है, यहाँ पर लिखा स्टेप 2 of 3, मतलब सेकंड स्टेप चल रहा है। अब हमसे बोल रहा है कि भाई आप लोग कोई प्लान वगैरह सेलेक्ट करो नेटफ्लिक्स को चालू करने के लिए, तो आपको सिंपली प्लान वगैरह सेलेक्ट करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके 4 प्लान आपको देखने के लिए मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं 4 प्लान कौन कौन से। एक आपका मोबाइल सबसे जो लो हो रहा है उसका दो, एक बेसिक जो 199 का है, और एक स्टैंडर्ड और एक प्रीमियम। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी में डिफरेंस दिख ही रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको सारे प्लान में डिफरेंस वगैरह दिख जाते हैं। तो मैं अभी सिंपली तरीके से दोस्तों सिंपली एक मोबाइल पर ही क्लिक करूँगा, ज़्यादा प्रीमियम स्टैंडर्ड पर नहीं जाऊँगा। और दोस्तों आप देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन मिला, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपसे जो है ऑटो प्रीपे का पेमेंट बोलेगा। दोस्तों ऑटो प्रीपे कभी भी एक्टिवेट मत कर देना, और ख़ास करके डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से, नहीं तो क्या होगा दोस्तों हर महीने की उस जो एक तारीख के दिन, मतलब 1 या 10 तारीख जो भी आपका बिलिंग साइकिल का डेट रहेगा, उस दिन आपके खाते से पेमेंट वगैरह डिटेक्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलता है कि पेमेंट अपना डिटेक्ट वगैरह हो चुका है। तो उस केस में दोस्तों आपको सिंपली करना है कि आपको फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम के थ्रू जो है पेमेंट वगैरह कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मान लेता हूँ कि मैं फ़ोनपे डाल देता हूँ, और फ़ोनपे डालने का दोस्तों यहाँ पर अपना आपको UPI डाल देना है। तो मुझे मेरा UPI भी ध्यान नहीं है, तो मैं आपको सिंपली एक डाल के देखता हूँ। देखिए मैंने अभी जैसे मेरा UPI डाला था, यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा, ऑटोमेटिक जो कि यहाँ पर पेमेंट वगैरह आ चुका, मेरा जो प्लान था वो आ चुका और UPI ID आ चुकी, और मुझे I agree पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और मुझे जो है 149 का पेमेंट वगैरह करना है। और जैसे मेरा पेमेंट सक्सेस वगैरह होता है तो मेरा अकाउंट जो रहेगा एकदम से बन जाएगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट वगैरह हो जाएगा। अब बहुत ही सिंपल प्रोसेस अकाउंट क्रिएट होगा दोस्तों, ये आपने क्रिएट कर लिया। अब सेम अकाउंट आप पेमेंट करने के बाद में अपना नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन के ऊपर जो है लॉगिन वगैरह कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी मेरे पास जो पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, मैं जैसे अपना फ़ोनपे ओपन वगैरह करूँगा तो वहाँ पर दोस्तों मुझे पेमेंट करने के लिए बोलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आइए ऑटो पे मेरा पेमेंट का जो है आ चुका है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है, यू हैव रिसीव्ड अ पेमेंट ऑटो पे रिक्वेस्ट netflix.com। ये दोस्तों आप गलती से भी जो है मत कर देना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से, वरना हर महीने की तारीख 1 या 2 तारीख के आसपास जो भी आपका बिलिंग साइकिल रहेगा वो पेमेंट आपके खाते से डिडक्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो चलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, वंदे मातरम।